पिछले 2 दिन से मुझे पोहे की हो रही थी बहुत ज़्यादा क्रेविंग, लेकिन बीच में पड़ गई एकादशी और एकादशी में हम चावल खाते नहीं, तो फिर मुझे एक दिन और वेट करना पड़ा। लेकिन अगले दिन जैसे ही मैं सुबह उठी, मैंने बोला आज तो मैं पोहा बना के खा के रहूँगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ली यहाँ पे प्याज, जिसके लिए मैंने 2 प्याज ली थी और मैंने उसका चॉपर का यूज़ करके चॉप किया था। साथ में मैंने 3 हरी मिर्च काट करके रखी हैं और उसके साथ ही मैंने 2 आलू भी लिए हैं। तो 2 आलूओं को मैंने छील लिया है, अब मैं उसको आराम से बैठ के काट रही हूँ। जब मैंने उनको कट करके रेडी कर लिया तो मेरी यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी पोहे बनाने की। उसके बाद मैंने सबसे पहले गैस पे तेल डाल के मूँगफली तलने के लिए चढ़ाई। तो मैंने हमेशा यहाँ पे पोहा बनाने के लिए मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने उसी के साथ मूँगफलियों को तल लिया। जब मैंने मूँगफली तली और देखा मैंने कि ये अच्छे से पक गई हैं, उनमें से चट चट करके आवाज़ आई और वो प्रॉपर रेडी हो गए हैं, तो मैंने उनको निकाल लिया। उनको तेल से निकाल लेने के बाद मुझे तेल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सरसों के तेल में ही पोहा भी बनाने वाली थी। तो उसके लिए मैंने उसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून की लहसुन कढ़ाई डाली, जो कि बहुत ज़रूरी होता है पोहा बनाने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाली कट करके रखी हुई हरी मिर्च। वो सारी चीज़ें जब तक पक रही थी तब तक मैंने यहाँ पर पोहा भी निकाल लिया था जितना मुझे बनाना था। उसके बाद मैंने उस पर डाल दिया प्याज, जो कि मैंने चॉपर का यूज़ करके चॉप करके रखा था। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज का यूज़ किया था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। इनके थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें डाले आलू, जो मैंने कट करके रखे हुए थे। आलू भी मैंने यहाँ पे 2 यूज़ किए थे। तो अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून के लगभग हल्दी और 1 टेबल स्पून के लगभग मैंने इसमें नमक भी डाला है। और साथ में मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि उससे जो है अगर आपकी मिर्च तीखी नहीं है तो फिर भी आपको थोड़ा सा तीखेपन का स्वाद आ जाता है। ये सारी चीज़ें मैं पकाने के लिए मैंने छोड़ दी थी और इसके लिए मैंने इसको ढक दिया था, क्योंकि इससे जो है कुकिंग हमारी फास्ट होती है। तब तक मैंने पोहे को पानी से एक बार हल्के हाथ से वॉश कर लिया। फ्रेंड्स, याद रखें पोहे को आप कभी भी ज़्यादा तेज से वॉश नहीं करें, वरना वो टूटने लगते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो आलू वो पक चुके थे, तो मैंने उस पर जो पोहा मैंने धुल के रखा था मैंने उसको डाल दिया है। उसको डालने के बाद मैंने उसको हल्के ही हाथ से मिक्स किया, ये क्योंकि बहुत डेलिकेट हो जाता है धुलने के बाद। अगर आप इसको तेज से करेंगे तो ये टूट जाएंगे और आपका पोहा अच्छा नहीं बनेगा। उसको पूरा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाली तली हुई मूँगफली। मूँगफली डालने के बाद मैंने इसको वापस से फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर मैंने इसको पकने दिया। पकने के बाद मैंने उसमें डाला है नींबू। तो नींबू आप जितना पसंद करते हैं टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे पूरा 1 नींबू यूज़ किया है, क्योंकि इसमें खट्टापन आता है तो बहुत ही मज़ेदार पोहा बनता है। तो ये मैंने इस तरीके से पोहा बना के रेडी कर लिया। अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया, क्योंकि मैं इसका बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती थी, मैं इसको गर्मा गर्म तुरंत ही खाना चाह रही थी। तो मैंने उसको प्लेट में निकाला। उसके बाद मैंने इसमें ऊपर से फिर से थोड़ा सा नींबू डाला, साथ में मैंने इसमें कटी हुई प्याज डाली, क्योंकि मुझे इसके साथ कच्ची प्याज खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए मेरा पोहा, और हम दोनों ही तैयार हैं इसको खाने के लिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब